सीएलसी में जो पेरेंटल केयर मिलती है ना वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। और एक जो मेन कोट है सीएलसी का, सीएलसी जहाँ सफलता के सपने संस्कारों के साथ सच होते हैं, और ये बात एकदम सच भी है। मैं 2018 बैच में हूँ, मेरे साथ 30 बच्चे हैं सीएलसी। बिल्कुल है सीएलसी, ये गुड़िया 2018 की सीएलसी की स्टूडेंट ईयर है। पहले तो मेरा ये था मैं बीकानेर जाना चाहती थी या कोई भी कोचिंग थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पर जब सर ने बताया मैं वहाँ गई। शुरू में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मैं पहली बार घर से निकली थी, पर सीएलसी का जो था ना वहाँ का वातावरण, जो पेरेंटल केयर मिलती थी ना सर से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे अदर कोचिंग्स थी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते थे, मेरी बात होती थी ना तो ऐसे था, वो ऐसे बोलते थे टीचर्स वगैरह कोई बात ही नहीं करते, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलता है। बट हमारे यहाँ तो जो जैसे सीएलसी में ये था कि सर से हर शाम को बात होती थी। एक हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वहाँ पे हमेशा संध्या वंदन होता था रात को, असेंबली होती थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती थी आधे घंटे की, और उसमें मतलब पूरे दिन की थकान डिप्रेशन सब निकल जाता था, पूरे दिन का मोटिवेशन रहता था वो कि हाँ वो होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा था। और भी जैसे बहुत कुछ था, सर ने बहुत सपोर्ट किया था वहाँ पे, और साथ वाली बच्चियाँ थी वो भी ऐसे सपोर्टिव थी, सर सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। जैसे साथ वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे मेरे साथ वाले, और हाँ अभी मेरे साथ बीकानेर में, मैं 2018 बैच में हूँ, मेरे साथ 30 बच्चे हैं सीएलसी। हाँ बिल्कुल है, पूरा एक मेला सीएलसी का, वहाँ पूरा मेला लगा हुआ है, पूरी बारात है। हाँ अब जैसे मैं सेलेक्ट हुई, उसके बाद में आसपास के सब लोग जैसे पापा से या मुझसे पूछते हैं आपने कहाँ से पढ़ाई की थी। जैसे लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा ना, तब मैंने काफ़ी जैसे लगभग मेरी पुरानी स्कूल के 10 से 15 बच्चे मेरे से मिलने आए थे कि दीदी आप कहाँ से पढ़े हैं, हमें भी वहाँ जाना है, हमें भी वहाँ से पढ़ाई करनी है। तब मैंने उन सबको सीएलसी के बारे में बताया, और मतलब सीएलसी में जो पेरेंटल केयर मिलती है ना वो हमें कहीं भी नहीं मिल सकती। और एक जो मेन कोट है सीएलसी का, सीएलसी जहाँ सफलता के सपने संस्कारों के साथ सच होते हैं, और ये बात एकदम सच भी है। अदर कोचिंग में मतलब संस्कार जैसी तो मतलब बहुत कम देखने को मिलेंगे, बॉस हमेशा हर चीज़ के अंदर मतलब संस्कार ही होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।